फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मेरी नाइट शिफ्ट है, मेरी 2:45 की कॉल हुई है और देखिए अभी रात हो गए हैं, तो अभी मैं साइन ऑन किया नहीं, अभी साइन ऑन करूँगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 60,000 वाली पावर है और यहाँ बहुत सारे पावर लगे हुए हैं। और ये हम लोगों का यहाँ पे यार्ड है, यहाँ पे जो भी पावर का ज़रूरत नहीं रहता है उसको यार्ड में प्लेस कर दिया जाता है। और जब पावर का यूज़ होता है तो यहाँ से सीधा निकाला जाता है पावर को अच्छे से चेक करके, तो यहाँ पे सारे पावर लगते आ करके। और ये मैंने कुछ क्लिप लिया था जिस दिन मेरे नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी साइन ऑन करने के पहले। तो आज नाइट ट्रिप है मेरा और अभी मैं साइन ऑन कर लूँगा। तो देखिए, ड्यूटी कभी भी आ सकता है आपका, और ज़रूरी नहीं है कि आपका बार बार नाइट शिफ्ट आएगा, कभी भी आ सकता है। तो अभी जॉब करना है अच्छा से, ड्यूटी मज़े में। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा मैं जो वीडियो क्लिप शेयर किया था उसमें मेरा ड्यूटी एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ, और वो मेरी नाइट शिफ्ट थी क्योंकि 2:45 में मेरी कॉल हुई थी और फिर मैं यहाँ ऑफ हुआ था। उसके बाद मेरा रेस्ट लग गया 16 घंटा का। तो और मेरी ड्यूटी आसन थर्मल स्टेशन यहाँ पे आई थी, तो मैं यहाँ गया था और मुझे बीबी पावर मिला था उस दिन, तो काफ़ी अच्छा ड्यूटी रहा उस दिन का। और मेरी ऑफ हो गया क्योंकि हम लोगों के घंटे ज़्यादा हो गए थे और ड्यूटी भी अच्छी रही। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा नाइट कॉल आएगा, क्योंकि आपका रेस्ट अप आप जब हो जाएंगे और अगर पोजीशन ठीक रहा तो नाइट में नहीं आएगी। तो ये आपके ऊपर, रोस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब गाड़ियाँ कितना चल रही है और कितने LPG मतलब अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉल आ सकता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि नाइट कॉल ज़्यादा आती है, तो कभी कल आ जाती है। और 2-3 बजे जब भी कॉल आए आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका उस समय आपका नंबर रहेगा तो आप मना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई जेन्युइन रीज़न रहेगा तब आप मना कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपके घर में हो गया तो आप मना कर दीजिए। तो उसका भी मतलब सॉल्यूशन है कि आप बोल सकते हैं कि मेरा घर में प्रॉब्लम है, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो वहाँ पे पहले इन्फॉर्म करना रहता है 2 घंटे पहले। आएंगे तो आप लोग अपना 100% एफर्ट लगाइए और पूरा तैयारी करिए मन लगा करके, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन लेना है। आप ये पूरा एकदम कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी अगर आएंगे तो इसके बाद कंपटीशन भी टफ रहेगा। जान लगा देना है और पूरा ऐसे तैयारी करना है, पूरा एकदम 100% एफर्ट लगाना है और ये सोच लेना है कि बस एक सीट लेना है मुझे। और पूरा 100% एफर्ट लगाइए, पूरे अच्छे से तैयारी करिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके, और बस जल्दी से आइए, मोस्ट वेलकम रहेगा आप लोगों का। और वैकेंसी फ्यूचर में आएंगे, कुछ अभी न्यूज़ भी वायरल हुए हैं तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और हमेशा मोटिवेट रहिए। और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे कमेंट करिएगा, मैं आपका आंसर दूंगा। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और नहीं भी करिए और अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करिए, तो मैं उस पर काम करूँगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स।